आयोजन किए हैं। आज अक्षय तृतीया पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार समाज देश में सुख शांति और समृद्धि का उजाला फैले, हम सभी यह कामना करते हैं। आज हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। बात हमारी आपकी इस देश की है, एक आह्वान और राजनीतिक चेतना का। हम सबको यह समझ लेना चाहिए कि जब तक राजनीति को गंदा मानकर इससे भागते रहेंगे, उस स्वार्थी तत्व नीचे से ऊपर तक राजनीति पर कब्जा किए रहेंगे। हम सब अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, उनसे ही सरकारें बनती हैं और उनसे हम पर शासन चलता है। इसके बावजूद हम राजनीति को अपने लिए उचित नहीं मानते, हम दूसरों को वोट देने तक सीमित है। इसका नुकसान यह हुआ है कि राजनीति में सक्रिय रहने वाले लोगों में ऐसे तत्वों की संख्या बढ़ गई है जिनके लिए यह सेवा नहीं बल्कि मेवा हासिल करने का माध्यम है। राजनीति में अपराधियों, पूंजीपतियों, लूटरों का झुंड बढ़ने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने लिए राजनीति से दूरी की लकीर खींच दी है। इसका नुकसान भी हमने देख लिया। सभी दलों में पाएंगे कि जो लोग सिर्फ विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करे, बड़े छोटे सबके लिए समान कानून की बात करे, उन्हें उनकी पार्टी में समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोगों की संख्या मुट्ठी भर है और स्वार्थी का जमघट है। अब यह तस्वीर बदलनी चाहिए। आप भले ही किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित हो, उसे अच्छा मानते हो या आप निर्दलीय की राह की उचित समझते हो, बस सक्रिय हो जाइए। आप राजनीति में सक्रिय हुए तो बाकी अच्छे लोगों की हिम्मत खुलेगी, यह कारवां बढ़ेगा। स्वार्थ की राजनीति करने वालों के हौसले पस्त होंगे। अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ने के लिए, उन्हें राजनीति में सक्रिय कराने के लिए, राजनीति को स्वच्छ करने के लिए पत्रिका समूह ने चेंज मेकर बदलाव के नायक सामाजिक महाअभियान चलाया है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं कि हम स्वच्छ राजनीति के लिए जिम्मेदार नागरिकों को सक्रिय होना चाहिए, तो आप खुद के नायक या चेंज मेकर के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगा मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपराधित अतीत वाले भ्रष्ट और अनैतिक राजनीतियों का साथ कभी नहीं दूंगा। भारत माता की जय।